दोस्तों, ये हमारे पास एक फ़ोन है रेडमी का, और इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी फेस करने को देखने को मिल रहा है क्या कि यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इस फ़ोन में ये फुल स्क्रीन में, पूरे स्क्रीन में ये ऐड आ जाता है। और ऐसे ही नॉर्मल फ़ोन अगर आप यूज करते हैं ना, तो कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो देखिए, इंस्टाग्राम यूज कीजिए, या फिर नॉर्मल फ़ोन को यूज करेंगे तो वहाँ पे ये ऐसा इस टाइप का ऐड आता है, और ये स्किप भी नहीं होता है। अभी हम लोग ऐसे ही बस बैठ करके टाइम पास कर रहे थे, फ़ोन यूज कर रहे थे, और ये इशू देखने को मिल गया इसे लॉक खोलो। तो होता क्या है, ये प्रॉब्लम आता कहाँ से है, और इसका सोल्यूशन क्या है, अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हाँ, वैसे हम लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड कुछ ऐसा है जो है, बस कोई प्रोफेशनल हम लोग वैसे वीडियो शूट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये इशू देखने को मिला था। इसका सोल्यूशन क्या है वो चीज़ हम लोगों ने ढूंढा, मैंने ढूंढा, इसके बाद फिर सोचा कि चलो एक वीडियो भी बनाना चाहिए। बिकॉज है क्या कि ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों के साथ आते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडमी के ही फ़ोन में आते हैं, नहीं, इसके अलावा भी कई सारे फ़ोन हैं जो कि सारे फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं और आते हैं। कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में कोई सा भी फ़ोन हो, उसमें ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की वजह से होते हैं ये ऐड आने का प्रॉब्लम। जैसे कई सारे एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर नहीं है, वो गूगल क्रोम से आप डाउनलोड करते हैं, कई सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, क्या क्या यार, मूवी वगैरह देखने के लिए, IPL वगैरह, कौन कौन सा मैच देखने के लिए। वैसे ये वाला कब से आ रहा है, कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, पिकासो ऐप डाउनलोड किया था, और उसी टाइम से ये इशू आ रहा है। और होता क्या है कि फ़ोन में कुछ भी यूज कीजिए, स्किप तो हो जाता है, मतलब कट करने के बाद, पूरा ऐड चलने के बाद ये एंड होता है। देखिए, अभी इंस्टाग्राम ओपन हुआ था, और इंस्टाग्राम ओपन होने के बाद फिर ये ऐसा ऐड आया था। अभी इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको लॉक खोलो पहले, इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये ठीक कैसे होता है, और आपको भी बताएंगे अगर आपको आपके साथ भी ऐसा इशू अगर होता है ना, तो इसे आप ठीक कैसे कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम अगर ओपन करते हैं, अब ये कुछ ऐसा ये ऐड आ रहा है, इंस्टाग्राम पे यूज करते करते मतलब नॉर्मल ऐसे ही आ जाता है, कॉपीराइट का लोचा हो सकता है, इसलिए स्क्रॉल थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। चलिए इसे एंड करते हैं, और कुछ और यूट्यूब वगैरह ओपन करके देख लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत आता है, थोड़ा टाइम के बाद भी आ सकता है, तो अभी श्योर नहीं कर सकते हैं कि अभी जस्ट अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो आ ही जाएगा ऐड, अभी तो ये यूट्यूब का आ रहा था। चलिए अब इसका सोल्यूशन बताते हैं, सोल्व कैसे होगा, फ़ोन में ये जो ऐड आता है कहाँ से आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रहेगा तो ये ऐड आता है, तो उसे बंद कैसे करेंगे। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो होता है ना, वो हिडन रहता है, आपके फ़ोन में दिखेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप दिखा दें, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं मेरे फ़ोन में, इस फ़ोन में कौन कौन सा थीम यूज करता है भाई। चलो यहाँ से अगर देख लें तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, और यहाँ पे वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दिखता नहीं है। तो उसे देखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला मेथड जो है, सबसे पहले इधर लाओ, सबसे पहले यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में जाना है, और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहला ये चीज़ करना है। अगर इससे सॉल्व ना हो तो सेकंड टिप्स भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्रोम में आने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी में जाएंगे, सॉरी एसेसिबिलिटी से बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है साइट सेटिंग्स, ठीक है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलता है थर्ड पार्टी साइन इन, इस पर भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप डिसेबल कर सकते हैं, अभी अलाउड है तो इसे डिसेबल कर सकते हैं। और मेन जो होता है ना, मेन आपको यहाँ से मिलता है थर्ड पार्टी कुकीज जो है ना, इस पर क्लिक करेंगे और ये अलाउड है, अलाउड है। अब इसे सबसे पहले ब्लॉक कर देना है टोटली, इसे ऐसे ब्लॉक हो गया, अब पहला ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ कुछ चांस है कि अगर गूगल क्रोम से प्रॉब्लम होगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो होता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके फ़ोन के ऐप मैनेजर में होता है, और उसे हटाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ सेटिंग्स में जाने के बाद आपको करना क्या है, सर्च बार में टाइप करना है ऐप मैनेजर, ऐप मैनेजर यहाँ से सर्च कर लेते हैं, ऐप करेंगे ना आप, या फिर आप नॉर्मल ढूंढ भी सकते हैं ऐप मैनेजर किधर है। ऐप में आने के बाद यहाँ ऐप्स में जाएंगे, और ऐप्स में आने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा मैनेज ऐप। मैनेज ऐप में आने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है ना, वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो कर जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है यहाँ पे शो वैसे नहीं कर रहा है कि कहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे एयरटेल एप्लीकेशन है, ऐप वॉल्ट है, असिस्टेंट है, ये सब है ना, सबका लोगो शो कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आप गेस कर रहे होंगे, सबसे पहले नंबर पे जो कि एयरटेल एप्लीकेशन जो है वो 167 MB का है, उससे पहले ऊपर देखेंगे आप तो 120 MB का भी कोई एप्लीकेशन है जो कि दिख नहीं रहा है ना, उसका नाम है कोई और ना ही लोगो है, सफ़ेद दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे साइड में देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि 120 MB का कोई एप्लीकेशन है, और यही वाला जो एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो यही है आपके फ़ोन में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, और यही एप्लीकेशन की वजह से आपके फ़ोन में ये ऐड का प्रॉब्लम होता है। तो बस नॉर्मल है, ये एप्लीकेशन आपको दिख गया। और ऐसा होता है कि अगर आपके फ़ोन में ये सफ़ेद कलर का है ना, तो अगर डे मोड रहेगा तो ही आपको दिखेगा ऐसा, डार्क मोड करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा वो है। तो यहाँ पे डार्क मोड करके दिखा देते हैं आपको,
यहाँ पे डार्क मोड करते हैं और अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक हो गया। अब ये मतलब थीम के अकॉर्डिंग अगर आप डार्क मोड करके रखते हैं ना तो यहाँ पे वही उसका मतलब सेम चीज़ रहेगा। जैसे ब्लैक अभी डार्क मोड है तो ब्लैक सा दिख रहा है, और अगर डे मोड कर दें यहाँ पे लाइट अगर कर दें तो उसका जो आइकन जो है ना वो भी हो जाएगा डे, मतलब सफ़ेद हो जाएगा। अब सफ़ेद होने के बाद भी दिखता नहीं है कि कौन सा एप्लीकेशन है, तो बस सिंपल करना कुछ नहीं है। यहाँ पे शो कर जा रहा है कि 120 MB का फाइल अपने फ़ोन में डाउनलोड है और ये स्टोरेज भी ले रहा है। नॉर्मल सिंपल इसे क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले इसका डेटा क्लियर करना है, और डेटा क्लियर करने के बाद इसका डेटा क्लियर हो गया, अब इस एप्लीकेशन को कर देना है अनइंस्टॉल। अब अनइंस्टॉल करने के बाद अब देखिए वहाँ से एप्लीकेशन हट गया। अब जितने भी आपके फ़ोन में हैं सब सारे जेन्युइन एप्लीकेशन है। अब आपके फ़ोन में ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हट गया, डिलीट हो गया, अब आपके फ़ोन में ये ऐड का इशू सॉल्व हो गया। अब आपके फ़ोन में कुछ भी यूज कीजिए, कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो देखिए तो आपके फ़ोन में कोई सा भी किसी भी तरह का कोई भी ऐड उस टाइप का नहीं आएगा। बाकी यूट्यूब पे अगर कोई भी वीडियो देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर सर्च कर ले अपना चैनल, तो यूट्यूब पे अगर वीडियो देखते हैं ना तो वो भी स्किपेबल है, जो ऐड आता है वो चीज़ आता आएगा लेकिन वो फुल स्क्रीन में नहीं आएगा। तो ये मेरा चैनल है, अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले ऑलरेडी इस फ़ोन में सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं तो अभी इसका सोल्यूशन इसमें सॉल्व नहीं करते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।